आज के घर हो रहा है गौरी का श्राद्ध, वो भी गौरी के जीते जी। घर वाले शायद गौरी से इतने नाराज हो गए हैं कि उनके लिए वो मर चुकी है, उसका श्राद्ध करने लग गए हैं, उसके नाम का पिंडदान भी कर दिया और वो सारी विधियां निभाई गईं जो मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति के लिए की जाती हैं। गौरी बेचारी रोती रही मगर इस श्राद्ध की क्रिया को रोक ना पाई। आखिर ऐसा क्या हो गया कि गौरी को जीते जी भूत बनना पड़ा? श्राद्ध कर ही दिया तभी तो मैं भूत हूँ। नहीं हो गया, अभी बहुत तामझाम चल रहा है घर में, तो ऑब्वियसली तेज और उनकी अपनी अलग ईगो फाइट चल रही है, तो वही हो रहा है। फाइनली गौरी हैज गिवन आपके भाई, मतलब ये हो गया, बट शी डिडंट हैव एन ऑप्शन। पिंकी जी की जान को खतरा था, लाइन क्रॉस कर दी ना मैंने 3-4 बार। मैं सुनती नहीं हूँ, मैं गंदा बच्चा हूँ, मैंने जो भी मना करते हैं वही मैं जानबूझ के करती हूँ, और वो हो चुका। जानबूझ के नहीं किया मैंने, किसी की भलाई के लिए किया। पूरा घर गौरी के खिलाफ है, किंतु शुक्र है कि ओमकारा उसके साथ है, उसे सहारा दे रहा है, क्योंकि वो जानता है कि गौरी ने जो किया वो घर वालों के लिए ही किया, इसीलिए वो गौरी को गले लगाकर उसकी आत्मा को शांति देने की, यानी कि उसे शांत करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल के लिए तो कुछ कुछ सोचा ही नहीं, गौरी इज दैट ब्लैंक राइट नाउ, शी कांट इवन मूव, मतलब पूरा फैमिली रोकने की भी कोशिश कर रहा है, मैं तो हिल भी नहीं पा रही हूँ। मैं इतने बड़े शॉक में हूँ कि मतलब मेरा मेरे सामने मेरा श्राद्ध मनाया जा रहा है जबकि मैं जिंदा हूँ, एंड ओमकारा इज ट्राइंग टू सपोर्ट मी, सो आई डोंट नो व्हाट एवर ओमकारा डिसाइड्स और जो भी होगा। एक और गौरी का श्राद्ध चल रहा था तो इश्कबाज शिवाय नई नई 2000 की नोटें गिन रहा था। लगता है बहुत दिनों बाद काम धंधे पर लगा है, या तो फिर बहुत दिनों बाद नोटों की गड्डी हाथ लगी है, या फिर ये भी हो सकता है कि जीते जी श्राद्ध करवाने वाले पंडित जी ने अपनी फीस शायद मांगी होगी, तभी शिवाय भैया